एजेंडे के साथ नहीं खड़े होते हैं, हमें उस नाम का एजेंडा है ना, आपका पूरा एजेंडा अमेरिका डाइवर्ट हो चुका है, बिल्कुल दिखाइएगा क्लियर। मैंने बिल्कुल नाम नहीं लिया, निर्भया से लेकर को देख लिया, कोई ऐसा सुझाव, कोई ऐसी शिकायत, कुछ ऐसा नया नहीं है। सब छह सालों से निर्भया से आज तक सेम वही चीजें रट रट के वही बोल रहे हैं। निर्भया से लेकर को देख लिया, कोई ऐसा जाता है, ये एजेंडा आप चलाते हैं। निर्भया की माँ से पूछिए, हमेशा उसने कहा मेरी बेटी कायर नहीं थी, बहादुर थी, क्यों उसका नाम निर्भया, उसका असली नाम बताइए। आज प्रियंका रेड्डी का हैशटैग बार बार कह रही हूँ, हमें किसने बताया, हमें नहीं मालूम था उसका नाम। आपके चैनलों ने हैशटैग चलाया, ट्विटर पे हैशटैग चलाया, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस का सम्मान करते हैं, हम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस का सम्मान करते हैं। जिन्होंने हैशटैग लगाया उस हिसाब से सबको जेल जाना चाहिए, बहस को आगे ले जाते हैं, बहस को आगे ले जाते हैं चाहिए। और आप लोगों का सुझाव, अब मैं अपनी बात रखूं, अब सुझाव, नहीं नहीं सुझाव दे रही हूँ ना, आपके एजेंडे हैं इसीलिए आपके जनरल में आना कांग्रेस ने बंद कर दिया है। मैं अपने व्यक्तिगत तौर पर आई, महिला के तौर से 25 साल की राजनीति में हूँ, सदन में खड़े हुए सुना कि रात को घूमने वाली महिलाएं हैं, आज मेरे भाई युवा उम्मीद कर रहे हैं, संसद सांसद एडीआर का सर्वे उठाइए, 2019 के चुनाव में 45% अति गंभीर बलात्कारियों को पार्टी ने टिकट दिए, आपने वोट दिया, संसद बना दिया, सांसद बना दिया। आज उन सांसदों से उम्मीद करते हैं, एक विधायक है बेटी का एक्सीडेंट करवा दिया, वो विधायक उन्नाव का है, जेल में है, बेटी ट्रोमा में है। दूसरा चिन्मयानंद नाम लूंगी, चिन्मयानंद पूर्व सांसद पूर्व मंत्री, बेटी आरोप लगाती है, बेटी जेल में है, चिन्मयानंद अस्पताल में है। लानत है ऐसे कानून, ऐसी पार्टी, ऐसे विधायकों, ऐसे सांसद, ऐसी जनता जिन्होंने इनको वोट देकर हमारे सर पर बिठा दिया, खून खोलता है, लेकिन मुद्दे से डाइवर्ट करके अलका लांबा को प्लीज मेरे रिक्वेस्ट पे, क्योंकि इसको ड्रामेटिक ना करें, शेम ऑन यू, आज तक शेम ऑन यू अंजना। जनता साथ दी है, तालियां बजाई, धन्यवाद, ये ताली मेरे लिए नहीं, मेरी जो लड़ाई है उससे मिली हुई लड़ाई लड़ती रहूंगी। जय हिंद। आतिश जल्दी, देखिए मेरा ये मानना है कि बेटियों को बचाने की जिम्मेदार है माँ हूँ, 22 साल का बेटा है, बेटी नहीं है, रोज जब इस तरह की हरकतें होती है खून खोलता है, माँ हूँ, अपने बेटे को संस्कार दिए, भगवान नहीं करे आंख भी उठा दी ना, सबसे पहले सजा देने वाली मैं हूंगी, इन्हें मांगनी ही पड़ेगी सजा, सबसे पहली सजा मां ही है। लेकिन एजेंडा आतिशी जल्दी आज तक बदला नहीं, इसलिए आपने